ग्वालियर में सूदखोरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामले में एक परिवार ब्याज की रकम को चुकाते चुकाते थक चुका है, लेकिन कर्जा खत्म ही नहीं हो रहा। सूदखोर 17,500 की रकम के बदले हर रोज 500 का ब्याज वसूल रहा है। कर्जदार परिवार का यह कहना है कि उसने मूल रकम से दोगुनी रकम चुका दी है, लेकिन इन सब के बावजूद सूदखोर अभी भी 17,500 की राशि पर 500 रुपए रोज का ब्याज लगा रहे हैं। पीड़ित परिवार अब आत्महत्या की धमकी दे रहा है, साथ ही पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार भी लगा रहा है। उदय भी शर्मा ने जो है अनावेदक बंटी शर्मा के विरुद्ध आवेदन दिया है कि उसने जो पैसे उधार लिए थे तो उसका पूरा पेमेंट करने के बावजूद भी वो टेरर टैक्स ले रहा है और उससे जबरदस्ती धमकी दे रहा है और रोजाना 500 रुपए रोज ले रहा है। इस संबंध में थाना प्रभारी गोलन मंदिर को निर्देशित किया गया कि उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई कर ऐसे दे दिए 8 लाख रुपए मकान बेच बाच के। नहीं अब सर कुछ बचा ही नहीं, बेचने लिए अब क्या बेचे। हाँ, और फिर भी वो मानता नहीं, जो मैं मार के भी पैसे ले लूंगा। हाँ, डराता धमकाता गेल में घेर लेता है। पुलिस से शिकायत की, बुलाया आया नहीं था वो, जो बोल रहा था कि मैं वो क्या कहते हैं ये सिंधिया जी के साथ में हूँ।